नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। मैं बिंदु पात्रा और ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्ख खबर। दक्षिण पूर्व रेल के जीएम एसके मोहंती पहुंचे टाटा नगर रेलवे स्टेशन, किया निरीक्षण, विकास कार्यों का लिया जायजा। सालगाछुड़ी के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात की हुई मौत, शव उठाने को लेकर पुलिस व आरपीएफ के बीच हुई नोकझोंक। और सोनारी स्थित भारत सेवा श्रम संघ में त्रिशूल उत्सव का हुआ आयोजन, गैरिक ध्वजारोहण उत्सव की हुई शुरुआत। और अब खबरें विस्तार से। दक्षिण पूर्वी रेल के जीएम एसके मोहंती सोमवार को टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया, साथ ही यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं का भी जायजा लिया। वहीं उन्होंने स्टेशन के आधुनिकीकरण को लेकर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की। इस दौरान उनके साथ टाटानगर रेल प्रबंधन के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने स्टेशन में लगाए गए एस्केलेटर, सामानों की जांच करने वाली मशीन तथा वेटिंग हॉल का मुआयना किया। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि टाटानगर रेल पहले से ही चक्रधरपुर रेल डिवीजन का एक अहम अंग रहा है और इस कारण से कोशिश की जा रही है कि यहाँ यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा सके। इन्होंने कहा है कि विगत 2 वर्षों में इस स्टेशन में काफी बेहतरीन कार्य हुए हैं, जिसमें एस्केलेटर लगाए गए हैं, अत्याधुनिक वेटिंग हॉल बनाया गया है, सामानों की जांच के लिए मशीनें लगाई गई हैं, साथ ही वाटर वेंडिंग मशीन लगाए गए हैं। साथ ही साथ दक्षिण पूर्व रेल डिवीजन के अंतर्गत चलने वाली ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगाए गए हैं, जिससे ट्रेन अब पहले के मुकाबले काफी साफ सुथरा है। वहीं इन्होंने ट्रेनों के निजीकरण के सवाल पर कहा है कि ये मामला फिलहाल बोर्ड के पास है। बोर्ड फिलहाल यहाँ चलने वाली ट्रेनों और उनमें आने जाने वाले यात्रियों की संख्या की जांच कर रही है। इस प्रक्रिया के पूरे होने पर रूट एवं ट्रेनों का चयन किया जाएगा, जिसके बाद ही निजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। फिलहाल अभी ये मामला बोर्ड के अधीन है। यहाँ क्योंकि जो टाटा नगर है, बहुत पुराने हमारे जो है वो साउथ ईस्टर्न रेलवे का एक सेंटर है और चक्रधरपुर डिवीज़न जो है ये भी हमारा एक मेन डिवीज़न है फ्रेट लोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो पैसेंजर टर्मिनल्स यहाँ है, पैसेंजर डीलिंग पॉइंट टाटा नगर है, राउरकेला है, झारसुगड़ा है, ये सब इसी डिवीज़न में आता है। तो पहले मैं गया था, झारसुगड़ा देख के आया था, राउरकेला देख के आया था, और अभी मैं टाटा नगर आज इसलिए आया कि इस एरिया में जो भी हमारे डेवलपमेंटल काम चल रहा है पैसेंजर एम्यूनिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे फ्रेट लोडिंग और ट्रेन मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो काम चल रहे हैं उसका असेसमेंट करने के लिए और आगे के लिए क्या हमको प्लानिंग करना है, ताकि जो इंक्रीजिंग ट्रैफिक है पैसेंजर ट्रेन्स का भी और फ्रेट ट्रेन्स का भी और यार्ड में और नए नए इंडस्ट्रीज जो आ रहे हैं उनका कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसके लिए हम लोगों को भी अपना कैपेसिटी उस हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा और वो सब प्लान्ड वर्क्स हैं, तो उस हिसाब से काम जो हो रहा है उसको रिव्यू करके कैसे उसको जल्दी और कमीशन कर सकते हैं, ताकि हमारे गाड़ियां जो है वो ज़्यादा सुचारू रूप से स्मूथली चल सके। तो वो भी देखा और इसलिए मैं पहले तो मैं खड़गपुर से यहां तक अपना जो इंस्ट्रक्शन किया सेक्शन का, और उसके बाद फिर हम लोग टाटा का जो लोडिंग जो हमारा पॉइंट्स है और जो उनके जो इन्वॉल्व मटेरियल्स आता है वो जहाँ अनलोड होता है वो क्या फैसिलिटी है, क्या बढ़ा रहे हैं, कैसे उसको और स्पीड अप कर सकते हैं, और जो लोडिंग पॉइंट्स है वहाँ कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, वहाँ का टाइम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे उसको जल्दी से निकाल सकते हैं, हमारे यहाँ से जो गाड़ियाँ चल रहे हैं उनको कैसे और स्मूथली चला सकें, ये सारे पॉइंट्स देखा। और स्टेशन में जो यहाँ हमारे फैसिलिटीज हैं, पार्सल ऑफिस है हमारे, कैटरिंग का एक फूड प्लाजा और ऊपर रिटायरिंग रूम्स, बाहर सेपरेटिंग एरिया में क्या है वो सब देख के देन विल हैव अ डिस्कशन इंटरनली कैसे क्या और बेटर कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले एक देखना और समझना ये ज़रूरी है और उसके बेसिस पर प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करना। क्या तो कुछ पाया आपने, संतुष्ट हुए हैं आपकी कुछ असल तो मेजर क्या सफाई लगा? तो यहाँ का जो सफाई है वो मुझे तो ठीक लगा। अभी आप लोगों का क्या राय है बताइए पहले के मुकाबले, तो आप लोग भी फीडबैक दे सकते हैं हमको। और बाकी ट्रेन मूवमेंट्स में कैसे हम लोग करेंगे उसको, ट्रेन में कैसे सफाई बढ़ाएंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो आप लोगों के लिए नहीं है लेकिन हमारे इंटरनल मैटर है, लेकिन हम उसको
ठीक से नहीं देखेंगे तो फिर गाड़ियाँ जो है वो साफ़ सफाई उसको रखना और उसमें जो चलाना टाइम पे वो सब फिर उसमें इफेक्टेड होता है। तो इसलिए हमारा काम है कि वो सब हम देखें ताकि जो हमारे पैसेंजर हैं और जो हमारे कस्टमर्स बाकी हैं उनको बेटर सर्विस मिल सके, वो हम लोगों को देखें। अभी रिसेंट और इधर परसुड़ी थाना अंतर्गत सालगाझुड़ी के पास ट्रेन की चपेट में आकर एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की अब तक पहचान नहीं की जा सकी है। दूसरी तरफ मानवता को शर्मसार करने वाला एक दृश्य भी यहां देखने को मिला, जहां शव उठाने को लेकर घंटों परसुड़ी थाने की पुलिस और आरपीएफ जवान के साथ बक्षक होती रही और शव रेलवे ट्रैक पर यूं ही पड़ा रहा, जहां शव के ऊपर से सैकड़ों ट्रेनें यूं ही पार हो गई। बता दें अज्ञात व्यक्ति की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। वहीं स्थानीय एक युवक ने बताया है कि शव देखने से ऐसा लगता है कि ट्रेन की चपेट में आकर व्यक्ति की मृत्यु हुई है और व्यक्ति कौन है, कहां रहता है, इसे कोई नहीं जानता। फिलहाल परसुड़ी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जाँच पड़ताल में जुट गई है। वहीं अनुसंधान का हवाला देते हुए इस संबंध में परसुड़ी पुलिस ने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है। रहे थे तो फिर देखे यहाँ भीड़ लगा हुआ है, गिरा के पता चला ये देखने से लग रहा है ट्रेन से कटा हुआ है। क्या लगता है ये पहचान हो पाई है अब तक कि कौन है, क्या अज्ञात शव है, इसका पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस अनुसंधान कर रही है इस मामले में, पुलिस अपना काम कर ही रही है। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार सिंह। कहाँ रहते हैं आप? बावनगुड़ा। उधर जमशेदपुर के सोनारी स्थित भारत सेवा आश्रम संघ में शुक्रवार को त्रिशूल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर आश्रम के प्रांगण में गैरिक ध्वजारोहण कर उत्सव की शुरुआत की गई। भारत सेवा आश्रम संघ के अध्यक्ष स्वामी सेवात्मानंद ने बताया है कि बीते 70 सालों से हर साल त्रिशूल उत्सव यहाँ मनाया जाता है। स्वामी प्रणवानंद की याद में इसका आयोजन हर साल होता है। इसका उद्देश्य भारत के सनातन हिंदू धर्म की संस्कृति को उज्जीवित करना है। यह पर्व हर साल आयोजित किया जाता है जिसमें काफी संख्या में गणमान्य लोग भाग लेते हैं। उत्सव में आश्रम के स्वामी शाश्वतानंद जी महाराज, स्वामी जगन्नाथ नंद जी महाराज, स्वामी शुभ्रानंद जी महाराज समेत संघ के अन्य लोग भी मौजूद थे। जमशेदपुर शाखा उद्यापन कांड है 3 दिन के लिए है। गुरु महाराज पहले शुरू किए थे त्रिशूल उत्सव पौष पूर्णिमा की तिथि में, लेकिन यहाँ दिन एक दिन धार्य करके फिक्स अप करके हम लोग त्रिशूल उत्सव उद्यापन करते हैं। कितने दिन चलेगा ये प्रोग्राम? कितना दिन चलेगा? तीन चार फ्यूचर एवरी ईयर ही चलेगा। नहीं नहीं, ये जो 3 दिवसीय खास है उसको बताइए, आज उसका ओपनिंग हुआ है किनके? उत्तोलन करके शुरुआत किया और 2 दिन चलेगा। कल 4 जनवरी महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आएंगी और अर्जुन मुंडा का आने वाला का बात है, लेकिन अर्जुन मुंडा संभवतः एक मीटिंग में व्यस्त है, वो 5 तारीख को आएंगे। और बाकी सब जो हमारा समाज सेवी अच्छा अच्छा आदमी यहाँ पार्टी। क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम? मेरा नाम स्वामी शिवात्मानंद जी, भारत सेवा संघ जमशेदपुर ब्रांच का संपादक व सेक्रेटरी है। और इधर जमशेदपुर के करंडी स्थित आदिवासी भवन में जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट की ओर से स्वर्गीय डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा की जयंती मनाई गई, जहां उपस्थित लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रण लिया। जयपाल सिंह मुंडा जिनका जन्म 1903 ईस्वी में हुआ था, वे कुशल व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने बाबा साहेब के साथ मिलकर संविधान बनाया था और आदिवासी पिछड़ों को उनका अधिकार दिलवाया था। उन्होंने अल्प आयु में ही कई क्षेत्रों शिक्षा खेल राजनीति में आदिवासी नेतृत्व का लोहा मनवाया। बता दें IAS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले वे पहले आदिवासी थे, जहाँ उन्होंने IAS की नौकरी छोड़कर आदिवासियों के हक की लड़ाई को लड़ने की ठानी। इन्हीं की याद में हर बार जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट की ओर से जन्म जयंती धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ट्रस्ट के संरक्षक सह पूर्व विधायक सनातन मांझी ने बताया है कि जन्म जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य है उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाना, उनके द्वारा किए गए कार्यों से लोगों को अवगत कराना। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी जयंती के अवसर पर उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रण लिया गया। जयपाल सिंह का जन्मदिन है। जयपाल सिंह जो एक इनको आदिवासियों के बीच में उनको मरांगम के कहा जाता है, एक ग्रेट लीडर, और ये आदिवासियों के बीच में इस तरह का किसी का व्यक्तित्व तो नहीं रहा। ये जेंटलमैन इतना इंटेलिजेंट थे कि बचपन में उनको रांची में पढ़ते थे सेंट पॉल स्कूल में, वहाँ से उनको लेते गए
फॉरनर्स और सब थी। इनका जन्म जो है ना 1903 में 3 जनवरी को हुआ था और इनका ये मृत्यु जो है 1970 में 20 मार्च को। अच्छा, आज जो ये जयंती मनाई जा रही है किस बैनर तले मनाई जा रही है और क्या उद्देश्य है? एक्चुअली ये और वहीं स्वर्गीय जयपाल सिंह मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य पर करंडी स्थित बाबा तिलका मांझी सेवा सदन अस्पताल में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया, जहां चिकित्सकों ने मोतियाबिंद रोगियों को चिन्हित किया। बाबा तिलका मांझी सेवा सदन की स्थापना आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों की निःशुल्क सेवा करने के उद्देश्य से की गई है, जहां पिछले 20 वर्षों से तिलका मांझी सेवा सदन की ओर से नेत्र रोगियों के निःशुल्क ऑपरेशन की जाती है। इसी क्रम में स्वर्गीय जयपाल सिंह मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य पर नेत्र जांच शिविर लगाया गया, जहाँ सैकड़ों की संख्या में नेत्र रोगियों ने अपने नेत्रों की जाँच करवाई। वहीं संबंध में जानकारी देते हुए तिलका मांझी सेवा सदन के सचिव ने बताया है कि एक सामाजिक संस्था है जो पिछले 20 वर्षों से संचालित है, जिसके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नेत्र रोगियों की निःशुल्क नेत्रों की जांच कर उनका ऑपरेशन करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय जयपाल सिंह मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य पर नेत्र जाँच शिविर लगाया गया, जहाँ चिन्हित मोतियाबिंद के मरीजों का बहुत जल्द ऑपरेशन भी कराया जाएगा। आपका जाँच के लिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए हम लोग हर साल 2-3 बार लगाते हैं। आज विशेष दिन है, जयपाल सिंह जी के जन्मदिन पे ये कैंप हो रहा है। कितने नेत्र रोगियों की जांच की गई है अभी तक? तो 80 हो गए हैं, जिसमें 23 मिले हैं ऑपरेशन जिनका ऑपरेशन के लिए। अभी और भी अभी बाकी है चेक करने के लिए। किस अस्पताल के सहयोग से ये शिविर लगाया? बाबा तिलका मांझी सेवा सदन के नाम से हम लोग ये चलाते हैं, 20 साल का ऊपर हो गया चलाते हुए। नहीं मतलब किस अस्पताल का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है? ये TSRDS हम लोग साक्षी नेत्र ये हॉस्पिटल का ये सहयोग हो रहा है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम शक्ति चक्रवर्ती है। आप संस्था के क्या हुए? हम संस्था के सेक्रेटरी हुए। और इधर सरकारी संस्थानों के निजीकरण के विरोध को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान संघ के सदस्यों ने सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फिर भी सरकार नहीं चेतती है तो आने वाले दिनों में देशव्यापी हड़ताल किया जाएगा। जानकारी देते हुए भारतीय मजदूर संघ के नेताओं ने बताया है कि निजीकरण के कारण मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। उन्होंने बताया है कि निजीकरण के कारण मजदूरों में वह उत्साह नहीं होता है जितने उत्साह से सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। इन्होंने बंद उद्योग धंधों का हवाला देते हुए बताया है कि वैसे संस्थान बंद हो रहे हैं जो निजी संस्थान थे। सरकार सरकारी उपकरणों को निजीकरण कर उन्हें बंद करना चाहती है, जिससे मजदूरों का कभी भला नहीं हो सकता। इस दौरान सभी सरकारी विभागों के भारतीय मजदूर संघ से जुड़े प्रतिनिधि भी मौजूद थे। जो है एक दिवसीय धरना का प्रोग्राम, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में जो बिजनेस को लागू नहीं करना होगा, इसके विरोध में एक दिवसीय धरना का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें क्षेत्र जो है यूरेनियम मजदूर संघ और रेलवे, पोस्टल, BSNL, सभी उद्योग क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर जो है, बैंकिंग, सभी पब्लिक सेक्टर जितने भी हैं पब्लिक सेक्टर हैं जो के उनको उनके कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं और उसका विरोध जता रहे हैं कि इसमें बिजनेस जो करने जा रही गवर्नमेंट जो लागू करने के सोच रही है उसी का विरोध कर रहे हैं कि उसमें लागू नहीं करना होगा, क्योंकि उसके लागू करने से देश में जो है बेरोजगारी और बढ़ेगी और देश के उद्योगों में भी गुणवत्ता की वो स्थिति नहीं रहेगी। जो गुणवत्ता जो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट के अंदर में रहने से गुणवत्ता रहती है, उसमें कर्मचारियों के ऊपर दबाव रहता है, इसलिए गुणवत्ता में काम करते हैं। और आपका प्राइवेट सेक्टर में आप लोग देख ही रहे होंगे ठेकेदारी प्रथा में काम का जो है गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है, जिसके विरोध के नारे भारतीय मजदूर संघ गवर्नमेंट को जगा रहा है, बता रहा है कि गवर्नमेंट को कि नहीं उसमें निजीकरण नहीं लागू करिए, नहीं तो हमारे जो उद्योग है उसकी गुणवत्ता जो है आ जाएगी और उद्योग धीरे धीरे ठप भी हो जाएंगे, जो कि आज प्राइवेट सेक्टर में देखा भी जा रहा है। बहुत प्राइवेट सेक्टर जो गवर्नमेंट का है जो बंद हो गया, क्यों बंद हो गया? आज पूर्व के प्राइवेट सेक्टर बंद हो गए, क्योंकि वहाँ कर्मचारियों की जो है गुणवत्ता वो नहीं रहती है, इसीलिए शोषण होता है और उनको मानदान कम दिया जाता है। अगर आप लोगों का हमारी जो है अगली रणनीति हड़ताल में जाएंगे हम लोग बाध्य हो जाएंगे। पूरे देश में चल आज आह्वान जो है हमारा पूरा ऑल इंडिया में हर उपायुक्त के कार्यालय पे हो रहा है, जैसे पूर्वी सिंहभूम, चाईबासा, सरायकेला, इधर हर क्षेत्र में हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मनु सिंह, जिला मंत्री पूर्वी सिंहभूम, भारतीय मजदूर संघ।
और यहाँ आपको बताते चलें कि संस्था महिला उत्थान समिति के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय में छोटी छोटी बच्चियों व महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को सजा देना तथा महिलाओं को जागरूक करना था। हमारे हर गांव के हर शहर के लोग इसमें जुड़े हैं, यहाँ तक कि विदेश से भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, सिंगापुर से जुड़ी हैं, बनारस से जुड़ी हैं, अहमदाबाद से, हर जगह से महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। और एक हमारा व्हाट्सएप समूह ग्रुप चलता है महिला उत्थान का, जिसमें कि सारी महिलाएं जुड़ी हैं, जिसमें हर चीज़ की जानकारी दी जाती है, महिलाओं के साथ कैसा अत्याचार हो रहा, क्या हो रहा, आगे हम लोग को क्या करना है, इस चीज़ का जानकारी उसमें दिया जाता है। आज का बैठक का उद्देश्य क्या है? जी, बैठक का मेन उद्देश्य है कि जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को एकदम प्रताड़ना महिलाओं के साथ हो रही है, उस सबको हम लोग को रोकना है। पहला हमारा बलात्कार पे ही है, रेप जो अभी आजकल छोटी छोटी बच्ची पे हो रहा है, महिलाओं पे हो रहा है, वो सब रोकना हमारा एक मेन उद्देश्य है बैठक का। आज की बैठक का मेन उद्देश्य है रेप मामलों पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, और हम सभी बहनों की ये आम राय बनी है कि उस दोषी को क्या सजा मिलनी चाहिए, ये हम लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे क्या सजा मिलनी चाहिए। देखिए, ऐसा होता है कि रेप करने के बाद जो दोषी है वो तो निर्दोष साबित, जब तक दोषी साबित नहीं होता है तब तक निर्दोष की तरह घूमता है और आराम से जीवन यापन करता है। लेकिन जो महिला जिसके साथ बलात्कार हुआ है, उसका सामाजिक जीवन, उसका घरेलू जीवन, हर तरफ से वो बिल्कुल समझ लीजिए कि निष्कासित की तरह अपना जीवन यापन करती है, और बिल्कुल उसके साथ हर तरह के हर दर्जे के लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो बेचारी जीने के काबिल नहीं रहती है। और जो दोषी है वो आराम से तब तक घूमता है जब तक उसकी जो उसका जो दोष है वो साबित नहीं हो जाता है कोर्ट में, और अगर निचले अदालत में उसका दोष साबित भी होता है फिर वो ऊपर के अदालत में अर्जी डालता है, फिर केस चलता है। क्या नाम हुआ आपका? तक वो आराम से जीता है, खाता आप, पीता है। आपका नाम? मेरा नाम हरप्रीत कौर है। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दक्षिण पूर्व रेल के जीएम एसके मोहंती पहुंचे टाटा नगर रेलवे स्टेशन, किया निरीक्षण, विकास कार्यों का लिया जायजा। सालगाछुड़ी के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात की हुई मौत, शव उठाने को लेकर पुलिस व आरपीएफ के बीच हुई नोकझोंक। और सोनारी स्थित भारत सेवा श्रम संघ में त्रिशूल उत्सव का हुआ आयोजन, गैरिक ध्वजारोहण उत्सव की हुई शुरुआत। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।